हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं एक स्वीट रेसिपी। इसके लिए एक पैन रे के फ्लेम ऑन कर चुकी हूँ मैं। एक लीटर दूध इतना ऐड कर रही हूँ। इसी में एक आधा कप जितना मिल्क पाउडर ले रही हूँ, इसको भी ऐड कर देंगे। दूध गर्म होने से पहले ही ऐड करना है। दूध गर्म होने के बाद ऐड करेंगे तो इसमें घंटियाँ बन सकते हैं। इसके लिए इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए, अच्छे से मिक्स कर चुके हैं मिल्क पाउडर को। अब इसमें हम एक आधा कप जितना चीनी ऐड कर लेंगे, मीठे के हिसाब से पकड़ के। इन सारे चीजों को हाई फ्लेम करके अभी कम से कम उबाल जब तक ना जब तक अच्छे से मिक्स करते रहेंगे इसको। हम एक बाउल लेके एक स्पून सब्जा सीड्स ऐड कर लेंगे। सब्जा सीड्स ऐड करने के बाद इसमें एक आधा कप जितना पानी ऐड कर लेंगे। पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट के लिए इसको अच्छे से सोख होने के लिए रख देंगे। देखिए, इसमें अच्छे से उबाल आ चुका है। उबाल आने के बाद कम से कम इसको 6-7 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा दूध गाढ़ा हो जाएगा। देखिए, थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है। कम से कम 6-7 मिनट पका है और थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है। अब इसको हम फ्लेम बंद करके ये अच्छा कम्प्लीट जब तक ठंडा ना हो जाए जब तक इसको छोड़ देंगे हम, नहीं तो फ्रिज में भी रख सकते हो आप दूध को चिल होने के लिए। देखिए, दूसरी साइड में एक पैन में एक आधा लीटर जितना पानी ऐड करके रखी हूँ। इसमें 50 ग्राम जितने नाइलॉन साबुदाना ऐड कर रही हूँ। अगर ये नहीं होगा तो साबुदाना, नॉर्मल साबुदाना भी ऐड कर सकते हो। एक आधा कप ली हूँ। इसको हम अच्छे से मिक्स करके थोड़ा इसमें कलर ऐड कर लेंगे। कलर ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हो, नहीं तो बिना इसके भी बना सकते हो। 2 पिंच में ग्रीन फूड कलर ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करके कम से कम 6-7 मिनट तक इसको पकने के लिए छोड़ देंगे हम, साबुदाना जब तक गल ना जाए। देखिए, कम से कम इसको 10 मिनट तक पका ली थी मैं। देखिए, ये गल गए हैं, इस तरह से दबा के देखने से पता चल रहा है। अभी हम इसको छान लेंगे। देखिए, एक छन्नी लेके इस तरह से इसको छान देंगे। स्टार्च छता ना, इसके लिए थोड़ा पानी ऐड करके इसको धो लेंगे अच्छे से, नॉर्मल पानी ऐड करके, तक ठंडा ना हो जाए जब तक छोड़ देंगे इसको 5 मिनट के लिए। देखिए, दूध अच्छे से ठंडा हो गया है। इसमें अभी हम फ्रूट्स ऐड कर लेंगे। देखिए, 2 केले कट करके ली हूँ मैं, इसको ऐड कर देंगे। और 1 कप जितना वाटरमेलन ली हूँ, पपाया 1/2 कप ली हूँ, ये काले अंगूर ली हूँ 1/2 कप, और हरे अंगूर 1/2 कप। ये सब भी बारीक बारीक कट करके रख ली हूँ, इसको भी ऐड कर देंगे सारे चीजों को। ये सारी चीजें ऐड करने के बाद थोड़े चेरी ली हूँ मैं कट करके, इसको भी ऐड कर लेंगे। और थोड़ा काजू ली हूँ 1 मुट्ठी भर, इसको भी ऐड कर देंगे। और 1 मुट्ठी भर बादाम कट करके ली हूँ, इसको भी ऐड कर लेंगे। देखिए, सब्जा सीड्स रखे थे ना सोख होने के लिए, अच्छे से सोख हो गए हैं ये, इसको भी ऐड कर लेंगे। और अब साबुदाना भी अच्छे से ठंडा हो गया है, इसको भी ऐड कर देंगे। देखिए, ये सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके अभी हम सर्व कर लेंगे। बहुत ही आसान और हेल्दी रेसिपी बन के तैयार है, अभी हम इसको सर्व कर लेंगे। देखिए, सारे चीज़ें ऐड कर चुकी हूँ मैं और सर्व कर चुकी हूँ। खट्टा फ्रूट मत ऐड कीजिएगा, बहुत ही आसान हेल्दी रेसिपी है, अभी ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आने पर हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।